नमस्कार, सौराष्ट्र टाइम्स में आपको स्वागत है और मेरा नाम है विपिन बेबाक। और हाँ, अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिला तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगड़ बिलेख और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। पूरे देश में पांचवें चरण के चुनाव के बाद अंतिम दौर के चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती गुरुवार को बक्सर पहुंची। बसपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव पर प्रचार करते हुए उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जम के हमला बोलो है। उन्होंने कही है कि बहुजन समाज के हित के नहीं, मंडल कमेटी की सिफारिश को संसद में समर्थन करो, लेकिन बीजेपी कांग्रेस ने आज तक लागू नहीं करो। बीएसपी के दबाव के कारण आरक्षण खत्म नहीं हुआ। देश के राजनीतिक दल के चंदा लेने को खुलासे में बहुजन समाज पार्टी वंचित है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी को चंदा लेने में एक भी रुपया को आरोप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल क्लीन चिट है। मायावती ने यह भी कही है कि पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, कांग्रेस की कथनी करनी में अंतर है। यही लैया ज़्यादातर राजनीति को सत्ता में बाहर रह गई है। बीजेपी की जातिवादी मोदीवादी संकीर्ण मानसिकता की वजह से केंद्र की सत्ता ते जाने वाली है, यानी कि मोदी जी जाने वाले हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती कह रही हैं कि मोदी जी जाने वाले हैं। मायावती ने कही है कि बीएसपी को छोड़कर अन्य बड़ी पार्टी इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए या देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों से अपने दल को चलाने और चुनाव लड़ने के नहीं रुपया ले है, नहीं है वो तो रुपया। बीजेपी सबसे नंबर वन पे है, कांग्रेस को भी नाम है और भी पार्टियों को नाम है, लेकिन बीएसपी को नाम नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही बीजेपी भी जाँच एजेंसियों को अपने स्वार्थ के नहीं दुरुपयोग कर रही है। प्राइवेट सेक्टर में पूंजीपति और धन्ना सेठन को लाभ दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, धन के नाम पर राजनीति चरम सीमा पर देखी जा रही है। किसानन की आर्थिक नीति की वजह से किसानन पर बुरा असर पड़ रहा है। व्यापारी वर्ग भी बहुत ज़्यादा परेशान है। देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लोगों से अपील करते हुए बीएसपी प्रमुख मायावती ने कही है कि अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए मीडिया ओपिनियन पोल को इस्तेमाल कर बीजेपी लगातार करती आई है और कर भी रही। केंद्र की सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कही है कि सरकार फ्री में राशन नहीं दे रही, ये टैक्स को पैसा है, ये आप लोगों को पैसा है, आप लोग अपने नमक खा रहे हो। इन सब की बातन के बहकावे में आकर बीजेपी को वोट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये नमक को आपको बहाना बनाएंगे कि आपने हमारा नमक खाया हो, लेकिन इनको कोई नमक नहीं है कि देश की जनता को टैक्स को पैसा है, तो इनके बरगलाने में आने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बहुजन समाज के लोगों को समझाने की कोशिश करी, हालांकि बहुजन समाज के लोग तो ऑलरेडी समझे हुए हैं और जो ना समझ रहे वो अनाड़ी हैं। अनाड़ी हैं या खिलाड़ी हैं आप भी जानो, मोदी ज़्यादा का कहवा रहे हो। बक्सर ते अनिल कुमार को विजयी बनाने की उन्होंने अपील करी है, या के साथ ही सासाराम ते भी प्रत्याशी बक्सर आए, उनकी भी जीत को लेकर लोगों से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपील करी है। अभी के नहीं सिर्फ इतना ही, और हाँ, जहाँ अभी वोट ना हुई वहाँ वोट डालने जरूर जाइए, उंगलिया पर निशान आ गए यूँ करके सेल्फी जरूर लेंगे कट। बात को मेरी कुछ समझ गए होगा और नई वीडियो में फिर आपके सामने आ जाऊँगा। जब तक के नहीं है देसी देख बिगड़ भी देख और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।